आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। 2021 के नए साल से पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए देश के सभी राज्यों के शहरों ने तैयारियां कर ली है। पहले से ही लिस्ट बनाकर सबसे पहले कोरोना वॉरियर को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अहमदाबाद में 300 से भी ज़्यादा कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर को सबसे पहले 16 जनवरी से टीका लगाया जाएगा। गुजरात में 14 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुँच गई थी, जिसका स्वागत करने के लिए अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री के साथ राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा भी मौजूद थे। गुजरात समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर को लगाई जाएगी। 16 जनवरी 2021 से पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी तकरीबन 300 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पे कोरोना का टीका लगेगा। अभी इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के पालड़ी विस्तार में, जहाँ पे एक रसीकरण केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पे पिछले 2-3 दिन से 2 बार ड्राई रन हो चुके हैं, ताकि 16 तारीख से शुरू होने वाले कोरोना रसीकरण केंद्र पर किसी भी तरह की समस्या पैदा ना हो। कोई भी व्यक्ति पहले आएगा तो यहाँ पे पहले बैठेगा। अब देख सकते हैं पहले बार यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ कुर्सी लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर बैठेगा, फिर वो व्यक्ति सीधा यहाँ से उठ करके उसका नंबर आने के बाद यहाँ पे आएगा, इस टेबल पे आएगा, जहाँ पे उसको एक मैसेज आया हुआ होगा जो पहले से ही उनको जानकारी दे दी गई होगी कि आपको इस तारीख पे आना है। तो टेबल पे आने के बाद वो मैसेज दिखाएंगे और उनके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे। उसके बाद वो यहाँ से सीधा इस रूम में चले जाएंगे, जहाँ पे वेटिंग रूम है, इस वेटिंग रूम में रखा जाएगा। इस वेटिंग रूम में रखने के बाद यहाँ पे बारी बारी से तकरीबन एक के बाद एक जिस प्रकार से आगे जिन लोगों को बुलाया जाएगा, उन लोगों को बगल वाले कमरे में जहां पे कोरोना वैक्सीन दी जा रही है वहां पे उनको बुलाया जाएगा। और पूरे अहमदाबाद में तकरीबन 300 ऐसे केंद्र बने हुए हैं जहां पर कोरोना रसीकरण के केंद्र के टीके, जहां पे कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, उसमें से एक ये पालड़ी विस्तार में स्थित है। और पहला व्यक्ति वेटिंग रूम में आने के बाद जो पहले वहां पे जो भी प्रक्रिया वहां पे की गई थी, वही प्रक्रिया यहां पे की जाएगी। उनके पास जो मैसेज होगा और जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो यहां पे फिर से वेरीफाई कराए जाएंगे। उसके बाद सीधा यहां पे उस व्यक्ति को लाया जाएगा, जहां पे तकरीबन 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया के बाद कोरोना वैक्सीन देने के बाद यहां से उन्हें बगल वाले कमरे में लेकर जाया जाएगा, जहां पे आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और ये बेड इसके लिए रखा गया है ताकि अगर तत्काल में कोई समस्या पैदा होती है उस व्यक्ति को, तो तत्काल रूप से आरोग्य सेवा उसे उपलब्ध कराई जा सके। और जहां पे ऑब्जर्वेशन रूम है वहां पे तकरीबन एक व्यक्ति को आधे घंटे से 1 घंटे तक रखा जाएगा। अब देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन रूम है, जिस तरह से वेटिंग रूम होता है उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन रूम है सामान्य रूप से। और ये प्रक्रिया संपन्न होने में तकरीबन एक व्यक्ति को 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अगर कोरोना की वैक्सीन जिसने ली है उसे अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसे एक नंबर दिया जाएगा और तत्काल उसे यहाँ के तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास में जो भी AMC ने जिस हॉस्पिटल को डेजिग्नेटेड किया हुआ है उसी हॉस्पिटल में तत्काल रूप से दाखिल करवाया जाएगा। और 16 तारीख से शुरू होने वाले इस कोरोना टीकाकरण केंद्र में तकरीबन अहमदाबाद शहर में ऐसे 300 केंद्र बनाए गए हैं। और शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप से जाने जाते हैं, उनको ये कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो सेकंड फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है, जैसे पुलिस कर्मियों, उनको दी जाएगी। उसके बाद जो 50 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको कोरोना रसीकरण दिया जाएगा। और आज ही सुबह में गुजरात के अहमदाबाद शहर के एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन पहुंच चुकी है, जो कि 16 तारीख से गुजरात राज्य के हर शहर में दी जाएगी। कैमरामैन विपुल मोलाडिया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशन लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।